बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बाद मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार को भूख हड़ताल खत्म कर दी। वह मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर 17 दिन से भूख हड़ताल पर थे। इस दौरान मनोज जरांगे मुख्यमंत्री के सामने भड़क उठे और कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने मुझे एक नोट दिया। वह नोट वास्तव में किस बारे में था? उन सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। कुछ लोग मुझ पर आरोप लगाने लगे, लेकिन मैं एक कुलीन मराठा हूं। वह किसी के कहने पर ना तो भूख हड़ताल करता है और ना ही उससे पीछे हटता है। मैंने जनता से पूछकर ही सरकार को एक महीने का समय दिया। सभी लोग इसके गवाह हैं। मनोज जरांगे ने कहा कि देशद्रोह करना हमारे खून में नहीं है। मुझ पर आरोप लगाने वाले संगठन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनवी प्रमाण पत्र दिलाने के लिए मनोज जरांगे पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। सरकार की ओर से भूख हड़ताल तोड़ने की कोशिशें की जा रही थी। जलाना सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, मंत्री गिरीश महाजन, पूर्व मंत्री अर्जुन खोदकर लगातार सरकार की ओर से मनोज जरांगे से बात कर रहे थे। इस दौरान राव साहेब दानवे ने सरकार की ओर से मिले आश्वासन का पत्र मनोज जरांगे को सौंपा। उस समय यह नोट वास्तव में किस बारे में है? इस तरह के सवाल पूछकर लोग जरांगे को लड़ाई में छोड़ गए, इसलिए आज मुख्यमंत्री के सामने ही मनोज जरांगे का गुस्सा फूट पड़ा। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि दानवे दादा की ओर से दिए गए पत्र ने एक कठिन घटना बना दी। लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, यह किस तरह का पत्र था? एक संगठन ने मुझ पर यह आरोप लगाया, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं एक महान मराठा हूं। देशद्रोह मेरे खून में नहीं है। मेरे पिता अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं समुदाय के लिए लड़ रहा हूं। भले ही मैं अंगश्रोली हूं, लेकिन मैं मराठा समुदाय के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। यह मेरी संतान नहीं है, यह मेरा खून नहीं है। मैं करूंगा अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बर्दाश्त नहीं करूंगा।